हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस वीडियो में हम एग्जांपल 6.8 फ्रॉम अवर टेक्सटबुक सॉल्व करते हैं। आगे सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप लोग जरा क्वेश्चन पर ध्यान देना। द क्वेश्चन सेज रिफर फिगर 6.12 में दिया है क्वेश्चन, देख लेना आप। द आर्म पीक्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूविंग फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो आउटवर्ड्स। जब मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखते रहो। अगर टेक्स्ट बुक साथ में लेकर नहीं बैठे हो तो जरा वीडियो पॉज कर लो, टेक्स्ट बुक ले लो, फिर क्वेश्चन पर ध्यान दो। मैं फिर से क्वेश्चन रीड करता हूं। रिफर टू फिगर 6.12 ए। द आर्म पीक्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूव्ड फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो आउटवर्ड्स। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू बी एंड इज जीरो फॉर एक्स ग्रेटर देन बी। ओनली द आर्म पीक्यू पोसेसेस सब्सटेंशियल रेजिस्टेंस। Consider the situation when the arm PQ is pulled outwards from x is equal to 0 to x is equal to 2b and is then moved from x is equal to 0 with constant speed to v. Obtain the expression for flux induced EMF force necessary to pull the arm and the power dissipated as joule heat. Sketch the variation of these quantities with distance. सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान है। पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट्स दिए हैं इस बार, यानी कि फील्ड बाहर की तरफ है। ये एक अरेंजमेंट है, एक कंडक्टिंग रॉड है और ये रेक्टेंगुलर लूप है। रेजिस्टेंस सिर्फ इसमें है, पी क्यू में, और बाकी का जो पोर्शन है उसमें रेजिस्टेंस नहीं है। ये लेंथ L है, ऐसा डायग्राम में दिया हुआ है। हमें फॉर्मूला लिखना है, किसका? फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ फोर्स एंड जूल हीट, ये चार चीजों का फॉर्मूला लिखना है और हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। और एक बात है, मैंने डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ा सा गलती कर दिया है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ यहां तक ही है, बी तक ही है, अप टू एक्स इज इक्वल टू बी। In this region there is no magnetic field. Okay. So उसके पीछे magnetic field नहीं है, x is equal to b तक, this is b, यहां तक magnetic field है, उसके बाद magnetic field नहीं है। हम क्या करते हैं, ये rod PQ जो है ना, उसको x is equal to 0 से लेकर b तक और आगे 2b तक ले जाते हैं और फिर बाद में वापस उसको 2b से x is equal to 0 तक ले जाते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस के टाइम पर ये सारी वैल्यूज क्या होती है वो हमें ढूंढनी है। Let us find out. तो चलो स्टूडेंट, सबसे पहले हम फ्लक्स को फाइंड करते हैं। हमें तीन चीजें करनी है, एक तो जीरो से टू बी जाते समय कितना फ्लक्स होता है वो ढूंढना है, टू बी से जीरो आते समय कितना फ्लक्स होता है वो, इन दोनों के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, और तीसरा इनका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। देखो जब, अच्छा सबसे पहली बात तो यह याद रखो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए यानी कि बी ए, और बी जो है हमको नहीं दिया है, ए क्या है, एरिया है। अब एरिया जो है स्टूडेंट्स, यहां पर जब ये हमारा रॉड जीरो से बी तक जाता है ना, तो ये एरिया कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। कितना एरिया होता है, मान लो ये डिस्टेंस एक्स है और लेंथ एल है, तो एरिया हो गया एल मल्टीप्लाई बाय एक्स, कहां तक, बी तक के रीजन में। तो जीरो से बी जितना जो रीजन है उसमें फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा फाइव बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, और ए की वैल्यू है, एरिया की वैल्यू है लेंथ इंटू एक्स। कब तक, व्हेन एक्स इज बिटवीन जीरो टू बी, जब हमारा x जो है वो जीरो से b के बीच में होगा तब तक। अब जब हमारा x जो है b हो जाएगा, हमारा x b के जितना हो जाएगा, तब एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ है और ये b ब्रेथ हो जाएगा, तो फ्लक्स हो जाएगा b l b when
एक्स इज इक्वल टू बी, और उसके आगे जब टू बी तक जाएगा तब भी फ्लक्स इतना ही रहेगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे बी लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू बी। तो बी से लेकर के टू बी तक के रीजन में फ्लक्स चेंज नहीं होगा, वो उतना ही होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मुझे इसका ग्राफ पकड़ना है, अच्छा रिटर्न ये हो गया जीरो टू टू बी वाले डिस्टेंस में, लेकिन टू बी से जीरो आएंगे तब भी सेम सिचुएशन होगा, बस रिवर्स होगा। नाउ इफ आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, हियर ऑन एक्स एक्सिस आई इंडिकेट एक्स एंड ऑन वाई एक्सिस वी इंडिकेट फ्लक्स। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो द फ्लक्स इज जीरो, एट बी वी गेट मैक्सिमम फ्लक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स एंड इट इज इंक्रीजिंग, इट इज हैविंग अ लीनियर रिलेशन बिकॉज द पावर ऑफ एक्स इज वन। फिर बी से टू बी वाले रीजन में फ्लक्स जो है वो कॉन्स्टेंट होता है बी एल बी, तो यहां तक हमारा फ्लक्स कॉन्स्टेंट होता है, ये हमारा जीरो से टू बी वाला रीजन है। अब जब हम 2b से b आते हैं तब भी फ्लक्स कांस्टेंट होता है, अब हम वापस b पर आ गए तो फ्लक्स फिर से कांस्टेंट हो गया इधर तक, और जब हम b से x इज इक्वल टू जीरो पर आते हैं फ्लक्स डिक्रीज होने लगता है और वो फिर से x इज इक्वल टू जीरो पर फ्लक्स जीरो हो जाता है। तो ये हमारा फ्लक्स का डायग्राम हो गया, ग्राफ हो गया। सो हमने फ्लक्स वाला पोर्शन खत्म कर लिया, अब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस डी फाइ बी बाय डी। दैट मींस आई कैन राइट दिस एज, अभी फाइ बी में फर्स्ट वाले पोर्शन में बीएल जो है वो कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव होगा, तो हम लिख सकते हैं माइनस डी बाय डी टी ऑफ बी एल एक्स। दैट मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस बी एल को बाहर निकाल दिया, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा और डी एक्स बाई डी टी होता है वी। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस बी एल वी, कौन से रीजन में? जीरो से बी वाले रीजन में। सो व्हेन एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू बी, फिर जब हम आगे जाते हैं बी से टू बी तक तो हमारा फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, और अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। सो ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो व्हेन बी एक्स लाइज बिटवीन बी टू टू बी, बी से टू बी के बीच में हमारा ये ईएमएफ जीरो हो जाएगा। अब अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, अच्छा दूसरी बात, रिवर्स जब आएंगे तो फिर से बी से टू बी से बी तक फ्लक्स जीरो होगा, और बी से जब यहां तक फिर से हम आएंगे तो ईएमएफ जो है वो फिर से माइनस बी एल होगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन विल चेंज। सो इफ आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईएमएफ वर्सेस डिस्टेंस एक्स, देन नीचे वाला जो रीजन है, ये वाले रीजन में हमको ईएमएफ नेगेटिव मिलता है तो ग्राफ ऐसा मिलेगा, कांस्टेंट है ये बी एल बी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट को डिनोट करता है। यहां पर अचानक बी पर, दिस इज बी, दिस इज जीरो, तो बी पर ऑल ऑफ अ सडन ईएमएफ जीरो हो जाएगा, फिर टू बी तक ईएमएफ जीरो रहता है, फिर वापस जब टू बी से बी पर आते हैं तो ग्राफ में हमारा जो ईएमएफ होता है वो फिर से जीरो रहेगा, लेकिन बी से जब आगे हम जाएंगे जीरो तक तो ये वैल्यू जो है ईएमएफ हमें ऐसे मिलेगा, तो ईएमएफ का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, दिस इज माइनस बी एल बी एंड दिस इज प्लस बी एल बी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट फोर्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, अब हम फोर्स को डिस्कस करते हैं, लेट अस सी फोर्स। अभी स्टूडेंट्स आपको अगर फोर्स को समझता है तो सबसे पहले हम करंट को समझ लेते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ अपॉन आर, और ईएमएफ हमको मिला था माइनस बी एल वी अपॉन आर, ये हो गया हमारा करंट। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई
एल बी, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल अपॉन आर, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, सॉरी this is the value of force. So when you are going from 0 to B, this force will be applied, and when you are going from B to 2B, the force will become 0. So if I want to draw the graph of this, hum kya kar denge, x axis ko 0, B, 2B, B, 0. Aise divide kar dete hain. To 0 se B wale region mein humko force milta hai, minus B square V, L square V by R. To negative hone ki wajah se, और वो फोर्स कांस्टेंट होता है, इसलिए हमें ऐसा रेक्टेंगुलर ग्राफ मिलेगा. दिस वैल्यू इज माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाय आर. उसके बाद बी से टू बी और टू बी से बी, फोर्स जीरो हो जाएगा और यहां पर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. देखो, हम जब रॉड को अंदर, रॉड को बाहर की तरफ ले जा रहे थे तो फोर्स अंदर लगता था, अब अगर हम रॉड को अंदर की तरफ ले आएंगे तो फोर्स बाहर लगेगा. फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वैल्यू वही रहेगी. सो दिस वैल्यू इज ऑल्सो b square l square b by r. So that is the expression for force and the graph for force. Then we want joule heat. Joule heat ka formula jo hai, we denote as pj, and the formula is b square l square by r. We know this formula, b square l square b square by r. To, aur ye positive hi rahega, aur kyunki ye positive rahega, it is a scalar quantity. So in both the cases, 0, B, 2B, B, 0. इस तरफ जाते समय भी उसकी वैल्यू बी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर में आ रहा होगी, और जब रिवर्स आएगा तब भी वही वैल्यू मिलेगी हमको. सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर जूल हीट, दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर. सो स्टूडेंट, दैट फिनिशेस एग्जाम्पल 6.8. इन द नेक्स्ट वीडियो वी गो अहेड विद एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, दैट इज Eddie Gunn.